स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति वेदा में, जहां हम लाते हैं आपके लिए धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी छोटी छोटी बातें जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन 10 कामों के बारे में जिन्हें हमें भूल से भी गोधली बेला में नहीं करना चाहिए। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आप निश्चित ही कंगाल हो जाएंगे, इसीलिए कंगाली से बचने के लिए इन कामों को हरगिज ना करें। गोधली बेला उस समय को कहते हैं जब सूर्यास्त हो जाता है या दिन अस्त होने वाला होता है। अंधेरा शुरू होने से पहले और दिन खत्म होने के बीच के समय को गोधली बेला कहते हैं। सूर्यास्त और दिन अस्त के बीच के समय को ही गोधली बेला कहते हैं। यह शाम के करीब 5 बजे से 7 बजे के बीच का समय होता है। इस समय को गोधली बेला इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राचीन काल में शाम को गाय चारा चरने के बाद वापस घर लौटती थी तो उनके चरणों की धूल उड़ती थी, उससे शूरे की लाली ढक जाती है, इसी को गोधली कहा जाता है। हालांकि यदि आप आसमान में देखेंगे तो कुछ धुंधला धुंधला ही क्षितिज नजर आता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार शाम के समय कुछ कार्य को करने की मनाही है। मान्यता है कि इन कार्य को शाम के वक्त करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। कहते हैं कि ये कार्य घर में नकारात्मक ऊर्जा को लाता है जिससे घर की बरकत व सुख समृद्धि कम होती है। सूरज डूबते समय और उसके बाद नेगेटिव शक्तियाँ एक्टिव हो जाती है। कहते हैं कि इन कामों को करने से घर में रोग शोक और संकट पैदा होते हैं और साथ ही माँ लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं। नाखून बाल और दाढ़ी काटना, मान्यता अनुसार कहते हैं कि रात में बाल नहीं कटवाना चाहिए और शेविंग भी नहीं करनी चाहिए, इससे घर में नकारात्मकता के साथ साथ घर में कर्ज बढ़ता है, वीर स्वामी को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ घर में बरकत रुक जाती है, घर में पैसों की तंगी हो जाती है, इसीलिए भूल कर भी शाम के समय अपने बालों नाखूनों को नहीं काटना चाहिए। दूध पीना, शाम के समय दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, न ही दूध को किसी को दान देना चाहिए। शाम के समय दूध पड़ोसियों को उधार भी नहीं देना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इसीलिए शाम के समय दूध के सेवन के साथ साथ दूध के दान देने से भी बचना चाहिए। दूध को भूल कर भी उधार नहीं देना चाहिए, इससे आपके घर की बरकत रुक जाती है, साथ ही आपके घर को आए दिन कलेश का सामना करना पड़ सकता है। पेड़ पौधों को छूना या पानी देना, आपने ये अक्सर सुना होगा कि शाम के समय पेड़ पौधों को या उनकी पत्तियों को नहीं छूना चाहिए। सूर्यास्त के बाद पेड़ पौधों को छूना और उनके पत्ते तोड़ना या फिर उन्हें पानी देना सही नहीं माना जाता है। मान्यता के अनुसार पेड़ पौधे सूर्यास्त के बाद सो जाते हैं, इसीलिए सूर्यास्त के बाद पौधों को छूना मतलब उनके विश्राम में खलल डालने जैसा है। इसीलिए सूर्यास्त के बाद पेड़ पौधों को छूने से या फिर उनमें पानी डालने से घर में आर्थिक संकट आती है, क्योंकि मान्यता अनुसार पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास माना जाता है। सूर्यास्त के बाद स्नान, कई लोगों को 2 समय स्नान करने की आदत होती है, सूर्यास्त के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद स्नान अगर कर रहे हैं तो माथे पर चंदन भूल कर भी ना लगाएं। कपड़े धोना और सुखाना, सूर्यास्त के बाद कपड़े धोना या फिर सुखाना सही नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय कपड़े धोने से घर में रोग का आगमन होता है, परिवार के लोगों में रोग दोष बढ़ने लगते हैं। शाम के समय कपड़े धोने से या फिर उसे सुखाने से आसमान से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। यह भी कहा जाता है कि इससे व्यक्ति रोगी हो जाता है, व्यक्ति के शरीर में कपड़े के साथ रोगों का भी आगमन हो जाता है, इसलिए घर को रोग मुक्त रखने के लिए शाम में कपड़े धोने सुखाने बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वस्तु उधार देना, शाम के वक्त किसी को पैसे उधार नहीं देना चाहिए। शाम के समय पैसे उधार देने से उधार दिए गए पैसे वापस कभी नहीं आते, साथ ही घर में दरिद्रता आती है, घर में धन हानि होती है। शाम के समय पैसे क्या किसी भी अन्य चीजें जैसे दूध दही हल्दी तुलसी पत्ता सरसों का तेल जैसे वस्तुओं का उधार देना वर्जित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन वस्तुओं को शाम को समय उधार देने से घर में दरिद्रता आती है और माता लक्ष्मी रुष्ट होकर आपका घर छोड़कर चली जाती हैं। शाम के समय व उसके बाद कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़ा करने से घर में नकारात्मकता आती है।
जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है वो घर माँ लक्ष्मी छोड़कर चली जाती हैं। कहते हैं ऐसे घर में गरीबी व कंगाली आती है। अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करना वर्जित माना गया है। मान्यता अनुसार सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार अगर किया जाए तो मरने वाले को परलोक में कष्ट भोगना पड़ता है, साथ ही उनके अगले जन्म में उसके अंगों में खराबी आ जाती है। दही या चावल का सेवन। सूर्यास्त के बाद दही का सेवन करना वर्जित माना गया है। सूर्यास्त के बाद दही का दान भी नहीं करना चाहिए। दही का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। शुक्र को धन वैभव का दाता माना जाता है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही का दान करने से सुख समृद्धि चली जाती है। इसी प्रकार सूर्यास्त के बाद चावल का सेवन भी नहीं किया जाता है। सूर्यास्त के बाद चावल खाने से शरीर में रोग बढ़ते हैं। झाड़ू पोछा नहीं लगाते हैं। मान्यता अनुसार सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा या साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शाम के समय झाड़ू लगाने से आप अपने घर से कचरे के रूप में अपने घर का धन वैभव बाहर फेंक देते हैं। इसीलिए सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से घर में धन हानि होने लगती है और घर में कंगाली आती है। सोना वर्जित है। सूर्यास्त के ठीक बाद या सूर्यास्त के समय सोना वर्जित माना गया है। साथ ही इस समय भोग या स्त्री संग सोना भी वर्जित मांगा गया है। इससे आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इससे धन और सेहत की हानि होती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त का समय पूजा वंदन के लिए निश्चित किया गया है। इस समय थोड़े देर के लिए ही सही भजन अवश्य चलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और माहौल खुशनुमा होता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक बातों की जानकारी के लिए हमारे चैनल भक्ति वेदा को जरूर सब्सक्राइब करें।